बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस। आई एम सुहेल अली आसी, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमारे पास आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 5 एक्सप्लेन स्क्रोनियस एंड स्क्रोनियस ट्रांसमिशन, यानी एस्क्रोनियस और स्क्रोनियस ट्रांसमिशंस के बारे में वजाहत करें। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसमिशन आर एज फॉलोज। हमारे पास ट्रांसमिशन डाटा की 4 टाइप्स थी, जिनके बारे में हम 2 टाइप्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और 2 टाइप्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। एक एस्क्रोनियस ट्रांसमिशन है और दूसरी स्क्रोनियस ट्रांसमिशन है। आइए चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। स्क्रोनियस ट्रांसमिशन क्या है? अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा is transmitted character by character is called asynchronous transmission. Asynchronous transmission क्या है? Asynchronous transmission में data को character by characters यानी अल्फाज की सूरत में transmit किया जाता है, जिसे synchronous transmission कहते हैं। Synchronous transmission वो method है जिस method के तहत आप अपने data को करैक्टर बाय करैक्टर की सूरत में ट्रांसमिट करते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर्स इज नॉट सेम। करैक्टर्स के दरमियान टाइम इंटरवल एक जैसा नहीं होता। द करैक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड एट इरेगुलर इंटरवल्स। आपके जो करैक्टर्स हैं उनको इरेगुलर इंटरवल बेस पे ट्रांसमिट किया जाता है। It is less efficient and slower than synchronous transmission. ये कम efficient होते हैं और synchronous transmission के निस्बत कम रफ्तार होते हैं। The synchronous transmission you start and stop it. Synchronous transmission start and stop bit को इस्तेमाल करता है, जिसमें आपके पास 0 और 1 को इंडिकेट किया जाता है। द स्टार सिग्नल इज सेंट व्हेन द करैक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। स्टार सिग्नल उस वक्त सेंड डाटा आपका डाटा सेंड करते हैं जब करैक्टर्स को सेंड करने के लिए भेजा जाता है। आ स्टार्ट बिट हैज अ वैल्यू ऑफ 0। स्टार्ट बिट की जो वैल्यू है 0 से इंडिकेट की जाती है। इट इज कॉल्ड स्पेस स्टेट। जब वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया जाता है तो उसको वैल्यू 0 बिट दी जाती है, यानी कि आप अपना वाला डाटा थोड़ी मकदार में सेंड कर सकते हैं, तो इसको हम स्पेस स्टेट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट द करैक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर। The value of 0 indicate 0 की value निशानदेही करती है that character is about to be transfer। उस characters की निशानदेही करती है जो characters हम transfer कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, मुंतकिल कर रहे होते हैं। It alert the receiver and it get ready to receive the characters। It alert the receiver, ये रिसीवर को वसूल करने वाले को, वसूल करने को अलर्ट करता है। एंड गेट रेडी और उसे रेडी करता है टू रिसीव आ करैक्टर्स, के अपने करैक्टर्स को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। द स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ईच करैक्टर्स। हर करैक्टर के एंड पे स्टॉप बिट ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि इसको
स्टार्ट से आगाज़ किया जाता है और स्टॉप पे इसको एंड किया जाता है। इट इनफॉर्म रिसीवर, ये से रिसीवर को इनफॉर्म करता है दैट द करेक्टर इज़ फिनिश्ड, कि आपके करेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। इट हैज़ अ बाइनरी वैल्यू 1, इसकी बाइनरी वैल्यू 1 होती है। अ वैल्यू ऑफ 1 इन सेंट बिट्स इंडिकेट दैट द लाइन इज आइडियल, इट इज़ कॉल्ड मार्क स्टेट, और इसको हम मार्क स्टेट भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल एक बड़ी सादा सी है कि आप अपने कंप्यूटर से डेटा को एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अपने डेटा को सेंड करते हो, तो वो आपका डेटा करेक्टर्स बाय करेक्टर्स, अगर आपका डेटा करेक्टर्स में है तो वो करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसमिट होगा। उसमें आपको एक लेटर बॉक्स दिखाई देगा जो एक पीसी से दूसरे पीसी की जानिब ट्रांसमिट हो रहा होता है, जिसमें आपको उनका टाइम इंटरवल दिखाई दे रहा होता है, और आपका जो लेटर बॉक्स है, जो आपका लेटर है, वो सेंडर से रिसीवर की जानिब इंडिकेट कर रहा होता है। आइए चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। हमारे पास एक सेंडर डिवाइस है और दूसरी हमारे पास रिसीवर डिवाइस है। सेंडर डिवाइस के साथ हमने स्टॉप का बटन यूज़ किया हुआ है और रिसीवर के साथ हमने स्टार्ट का बटन यूज़ किया हुआ है, और डाटा हम अपना ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अपना डाटा करेक्टर बाय करेक्टर्स, यानी अपना डाटा आप अल्फाज की सूरत में ट्रांसमिट करते हैं, और इनका टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर इज़ नॉट सेम। इस दौरान करेक्टर का जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता। उसके बाद हमारे पास क्रॉनिस ट्रांसमिशन है, अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक्स। डाटा टाइप की वो किस्म जिसमें आप अपना डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक की सूरत में ट्रांसमिट करते हैं, क्रॉनिस ट्रांसमिशन कहलाता है। ईच ब्लॉक मे कंसिस्ट ऑफ मैनी करेक्टर्स, हर ब्लॉक बहुत से करेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी कि पैकेट्स की सूरत में हो सकता है, जिसमें आपके पास नंबर्स ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर इज सेम, और हर पैकेट के दरमियान, हर ब्लॉक के दरमियान टाइम इंटरवल सेम होता है। इट डज नॉट यूज़ एट एनी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, इसके साथ स्टार्ट और स्टॉप बिट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट यूज़ अ क्लॉक कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट बीइंग सेंड, इट यूज़ अ क्लॉक कंट्रोल, ये क्लॉक कंट्रोल को इस्तेमाल करता है, एंड टाइमिंग ऑफ द बिट बीइंग सेंड, और बिट्स को उनका जो टाइम इंटरवल है, टाइम की जो रेशियो है, वो सेंड की जाती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की एक वसी अमाउंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं एट अ सिंगल टाइम, कम वक्त में, थोड़े वक्त में, विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन में अपने डाटा को बहुत वसी मिकदार में ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी हमारे पास सेंडर है और दूसरा हमारे पास रिसीवर है, दो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं। अब इसमें हमारा डाटा ब्लॉक बाय
ब्लॉक्स के स्रोत में सेंड होगा। जैसे हम एक डिवाइस से एक कंप्यूटर की पार्टीशन से कंप्यूटर के दूसरे पार्टीशन में डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो आप बहुत सा जो डाटा है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना डाटा आपने सेंड करना होता है वो सिलेक्ट करके दूसरे डिवाइस में आप पेस्ट कर देते हैं और आपका डाटा पैकेट्स के स्रोत में सेंड होना शुरू हो जाता है। या आप लोगों ने अपने मोबाइल डिवाइस की मदद से डाटा ट्रांसमिट किया होगा, किसी ने डाटा को ब्लूटूथ किया होगा, किसी ने डाटा ट्रांसमिट करने के लिए शेयरिट का यूज़ किया होगा, किसी ने डाटा ट्रांसमिट करने के लिए ज़ैपियर का यूज़ किया होगा। तो आप जब लार्ज अमाउंट में डाटा सेंड करते हैं, आपका वो डाटा ब्लॉक बाय पैकेट्स की सूरत में डाटा सेंड हो रहा होता है, जो सेंडर से रिसीवर की जान जा रहा होता है। इसके साथ आपके पास स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन नहीं होता और आपका डाटा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हर पैकेट्स के लिए टाइम इंटरवल सेम होगा। अगर यहाँ से आपकी एक फाइल सेंडर से रिसीवर को एक फाइल एक सेकंड में मिलती है, तो दूसरी फाइल भी सेंडर से रिसीवर को एक सेकंड में ही मिलेगी, यानी इनके लिए टाइम इंटरवल सेम होता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, दोनों ट्रांसमिशंस के दरमियान फ़र्क क्या है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आर डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर्स। सिंक्रोनस में हम डाटा को करेक्टर बाय करेक्टर्स में ट्रांसमिट करते हैं, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा को ब्लॉक की सूरत में ट्रांसमिट किया जाता है। सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट सिंक्रोनस विद ईच अदर, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस नहीं होते, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस होते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू करेक्टर इज नॉट फिक्स, दो करेक्टर्स के दरमियान टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर टू इंटरवल के दरमियान यानी टू कैरेक्टर्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो सेम होता है। इट्स यूज स्टॉप स्टार्ट एंड स्टॉप बिट टू कंट्रोल डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास स्टार्ट और स्टॉप ऑप्शन होता है कि आप जब चाहें अपने डाटा को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को स्टॉप कर सकते हैं, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता। यूज क्लॉक सिग्नल टू कंट्रोल डाटा ट्रांसमिशन, ये डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए क्लॉक सिग्नल का इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है, जिसमें आप अपना डाटा करेक्टर बाय करेक्टर की सूरत में ट्रांसमिट करते हैं, टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा है कि आप अपना डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक की सूरत में ट्रांसमिट कर सकते हो और हर ब्लॉक की सूरत में टाइम इंटरवल सेम होता है। फिर हमने इनके डिफरेंस पढ़े हैं, जो फोर टाइप के थे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह।